शादीशुदा युवक ने 17 वर्षीय नाबालिग से घर में घुसकर किया रेप। शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाया था। शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लुधावली इलाके की रहने वाली एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर एक युवक पर घर में घुसकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, लेकिन जब उसे युवक के शादीशुदा होने का पता लगा तब उसने उस संबंध में खत्म कर दिया, जिसके बाद युवक ने 28 नवंबर की रात जबरदस्ती घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुनिए क्या कहा पीड़िता ने। शादी से आए। कौन सा थाना है? देहात थाना। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, एक लड़के से मेरी बात होती थी कोचिंग के जरिए जी। उसने झूठ बोल के मतलब ऐसी बात होती थी, वो पता नहीं चला, उसका बाद में पता चला मम्मी उसके घर पे गए थे, वो शादीशुदा है। तो हमने उससे बोला, मम्मी ने उसे समझाया कि मेरी लड़की का पीछा मत करना, फिर लड़का वो नहीं माना। एक मम्मी मेरी दुकान करती थी कटमई पे, चाय की दुकान है वहाँ पे, तो वहाँ पे थी रात में, मैं अकेली थी घर पे, तो ये आ गया, कुंडी बजाई, मैंने खोल दी, तो ये मुझे अपने साथ ले आने लगा, छाटे वाटे दे दिए, मैंने मना किया, फिर इसने मेरे साथ गलत काम किया और जाते जाते मारने की धमकी भी दे दिया। तूने अगर किसी को बताया तो मैं तेरे भाई का ऐसा कर दूंगा, तेरी मम्मी का ऐसा कर दूंगा, इसलिए मैं डर के चक्कर में बताया नहीं। फिर मैंने मम्मी को अभी बताया, उसकी फिर धमकी आई, इसलिए मम्मी थाने गई फिर रिपोर्ट करने, वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हो रही, हमको ही उल्टा साबित कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, पैसे देने की बोलना है कि तुम पैसे ले लो 1 लाख रुपए और ये मामला बंद कर दो, मुंह बंद कर लो, ऐसा कुछ मत करो। कितने समय पहले की बात है ये? 28 तारीख की बात है ये। लड़का आपका मतलब जान पहचान किसी? लड़का कोचिंग आता था क्या है? नहीं, कोचिंग के जरिए मतलब एक लड़की थी फ्रेंड, उसने बात कराई थी। किस तरह की बात कराई थी? ऐसी फ्रेंड के जरिए बात हो रही थी हमारी। फिर बात होती रही थी, उसने शादी के बाद थी, शादी करूंगा तो उससे, मैंने मम्मी को बताया ऐसी ऐसी बात। मतलब आप रिलेशन में थी? हाँ। कितने समय रिलेशन में रही हैं आप? 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद में पता चला है कि वो शादीशुदा है, तब उससे बोला मैंने कि अपना, मम्मी ने भी उसे समझाया था कि लड़की से दूर रहना मेरे से, बट वो नहीं माना। कहाँ का रहने वाला है ये? मनियर का। क्या करता है? मोनू धाकड़ नाम है, कुछ नहीं करता। मोनू धाकड़ नाम? हाँ। उसके और धमकी अलग दे रहे हैं कि हमारे घर में पार्षद है, मेरी चाची पुलिस में है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अब आप पूरे मामले में क्या चाहती हैं? मुझे तो इंसाफ चाहिए, कार्रवाई चाहिए, कार्रवाई सुन नहीं रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे। आपको बाद में पता चला कि वो शादीशुदा? हाँ, बाद में पता चला, उसने बिल्कुल नहीं बताया था, झूठा वादा कर रहा है। एसपी सर ने क्या आश्वासन दिया आपको? उनने कहा वहाँ पे चले जाओ, सुनवाई ना हो तो फिर हमारे पास आना।